दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज राहुल गांधी के काउंटर में आज प्रधानमंत्री मोदी सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं। क्या कुछ हुआ सदन में, क्या क्या तस्वीरें निकल के आई और क्या चल रहा है सोशल मीडियाज पे, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और क्या अहम तस्वीर जो संसद से निकल के आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए आज खड़े हुए हैं। कल राहुल गांधी सदन में नेता विपक्ष के रूप में गरजे, वो तमाम तस्वीरें जो है कल नज़र आई जो पिछले 10 साल में कभी नज़र नहीं आई। आज प्रधानमंत्री मोदी सदन में क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चला है और कौन सी अहम तस्वीर, वो पानी पीने वाली तस्वीर, वो हेडफोन लगाने वाली तस्वीर, वो अचानक बैठ जाने वाली तस्वीर, वो तमाम तस्वीरें का जिक्र अभी करने वाले हैं। खबर में बने रहिएगा। कल क्या हुआ एक नज़र कल पे डालते हैं। कल राहुल गांधी सदन में उस पिच पे आकर के बैटिंग करते हैं जिस पिच पे बीजेपी छक्का चौका मारने की कोशिश करती है। वो पिच कौन सा? वो पिच हिंदुत्व का पिच, जिस पे बीजेपी मास्टर है। उस पिच पर आकर राहुल गांधी बॉलिंग करते हैं और बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। क्लीन बोल्ड इसलिए कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो ऐसा कोई सांसद नहीं था एनडीए की तरफ से जो खड़ा नहीं हुआ हो, जो राहुल गांधी को रोकने की कोशिश न की हो, लेकिन राहुल गांधी रुकते नहीं है। राहुल गांधी उस पिच पे क्लीन बोल्ड करते हैं और हिंदुत्व का मतलब समझा देते हैं। हालांकि बीजेपी उन्हें हिंदुत्व विरोधी बता रही है, लगातार इस तरह की कैंपेन चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी हिंदुत्व विरोधी बयान दे दिए हैं, जबकि राहुल गांधी ने सदन में प्रधानमंत्री मोदी को टोकते हुए साफ कहा कि बीजेपी हिंदुत्व समाज नहीं है, मोदी हिंदुत्व समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदुत्व समाज नहीं है। हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्व की परिभाषा अलग है और आत्मविश्वास से लबरेज तो दिख रहे हैं राहुल गांधी। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, अखिलेश यादव भी आज बोले और तमाम जो सांसद थे इंडिया गठबंधन के, वो आत्मविश्वास से लबरेज है क्योंकि सांसदों की संख्या भरपूर है। वो प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें कभी शोर में रहने की आदत नहीं है, जब वो खड़े होते थे बोलने के लिए तो सब विपक्ष में सांसदों की इतनी संख्या नहीं, संख्या कम तो आत्मविश्वास कम, तो क्या हल्ला मचाए। तो प्रधानमंत्री मोदी सदन में आराम से बोलते थे, लेकिन आज जो तस्वीर आई है सामने, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की वो लड़कराहट, वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोलते हुए असहज दिखे, वो प्रधानमंत्री जो भाषण के लिए जाने जाते हैं, जो अपने जनता से कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज वो कनेक्शन नहीं दिखा, आज आवाज़ में लड़कराहट दिखी, आज वो बोलने की शैली नहीं दिखी। तो क्या कुछ हुआ एक बार पूरी बात बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी सदन में खड़े हुए, सदन में प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए खड़े हुए थे क्योंकि कल राहुल गांधी जो है वो फायरिंग स्पीच देते हैं, देशभर में देखा गया उसको, कुछ क्लिप जो है उसकी काट भी दी गई राहुल गांधी की, जो कल राहुल गांधी ने बोला उसको लेकर राहुल गांधी ने पत्र भी स्पीकर को लिखा है, ये क्या है, मेरी वीडियोज की क्लिप क्यों कट गई, रिकॉर्ड में वो क्लिप नहीं है, तो वो लगा वो भी चल रहा है। दूसरी तरफ जब अभी जो प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए हैं सदन में, तो जैसे खड़े होते हैं और विपक्ष में इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो हल्ला शुरू कर देते हैं, वो नीट को लेकर हल्ला मचाते हैं, वो मणिपुर चिल्लाते हैं, ये देख प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं पाते हैं कुछ और फिर अचानक बैठ जाते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें देखे प्रधानमंत्री को लगा कि अब तो बोलना तो पड़ेगा ही, तो प्रधानमंत्री फिर खड़े होते हैं और कानों में हेडफोन लगा लेते हैं जिससे बाहर की जो आवाज़ है वो कैंसिल हो जाए, वो आवाज़ ना जाए कानों में और प्रधानमंत्री मोदी अपनी पूरी स्पीच को पूरा कर ले। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के जो तमाम सांसद हैं, जिनके सांसदों की संख्या इस बार तगड़ी है, वो सब फिर हल्ला शुरू कर देते हैं, मणिपुर नीट चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी बोलते हुए कई बार लड़खड़ा गए, वो लड़खड़ाहट की एक वीडियोस देखें आप, वो किस तरह से लड़खड़ा जाते हैं। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाला जिस जो सुनहरे इतिहास की बात कर रहे थे, वो हम मुंह से कुछ और निकल जाता है, वो तमाम वो तस्वीरें। एक दूसरी तस्वीर जब विपक्ष के में सांसद जो है जवाब दे रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी पानी पी लेते हैं। सोशल मीडियाज पे, एक्स पे, ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पानी पिला दिया। प्रधानमंत्री मोदी कि एक इंटरव्यूज़ याद कीजिए जिसमें वो इंटरव्यू छोड़ देते हैं पानी पीकर।
तो इस तरह की चीज़ें रिलेट करके लोग लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी उस तरीके का जवाब नहीं दे पाए जिस रूप में प्रधानमंत्री को मोदी को अक्सर देखा जाता है भाषणों में, तो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ ही रहे ही। तो कल राहुल गांधी जो है वो अभय मुद्रा की चर्चा कर रहे थे, कल राहुल गांधी जो है भगवान शिव की तस्वीर दिखा रहे थे, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष किया। कल राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात की कि तमाम धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, सब जो है डरो मत और शांति की बात कहा। तो वो तमाम तस्वीर चीज़ें जो है वो कल की बात है, और आज सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा उसकी चर्चा करेंगे, लोग क्या लिख रहे हैं, पत्रकार क्या लिख रहे हैं, राजनीतिक पंडित इस पर क्या लिख रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, वो प्रधानमंत्री मोदी जिनको 10 साल में कभी विपक्ष की आदत नहीं रही, कभी वो शोरगुल नहीं देखे, कभी विपक्ष का नेता नहीं रहा सदन में 10 साल में, लेकिन इस बार राहुल गांधी के रूप में सदन में विपक्ष का नेता है, इस बार सांसदों की संख्या है, और लगातार आप देखें जब भी संसद शुरू होता है सत्र और संसद परिषद के बाहर विपक्ष एकजुट हो जाता है। कल आपने देखा कि किस तरीके से ईडी सीबीआई के कार्रवाई के विरुद्ध जो है जो अरविंद केजरीवाल और झारखंड के उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे चल रही है, उसके खिलाफ जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है एकजुट होकर प्रदर्शन करते हैं, तो और उसके बाद नीट पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं तमाम तरह से जो है एकजुट और एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और सदन में जो है कई नए चेहरे पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं, वो इंडिया विपक्ष की तरफ से गरज रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद गरज रहे हैं, मॉब लिंचिंग की बात उठा रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें अभी देखने को मिली। अब लेकिन आते हैं उस बात पे कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को क्या कहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने काउंटर करते हुए राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बात उन्होंने बार बार रिपीट किया, विपक्षी सांसद लगातार इसका विरोध कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ को दबाने की कोशिश भी कर रहे थे, और ओम बिरला जो है वो ये तमाम चीज़ें देख कर वो भी काफ़ी नाराज़ रहे, वो भी विपक्ष को शांत कराने की पूरी तरह कोशिश किए। लेकिन सिर्फ ओम बिरला ही नहीं, सिर्फ बीजेपी नेता नहीं, कुछ पत्रकार जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उनको ये चीज़ भी बुरी लग रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष के सांसदों ने बोलने नहीं दिया। रूबिका लियाकत है, आप जानते हैं वो क्या कह रही हैं। तो वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम ट्वीट्स आपको हम दिखाते हैं एक बार बारी बारी से कि सोशल मीडिया उस पर क्या कह रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ लोग लिख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की छवि किस तरीके की बनाई हुई थी आपको भी पता है। इस बार क्या लिख रहे हैं वो लोग जो कल तक राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, तो आज क्या लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में राजनीतिक पंडित क्या लिख रहे हैं, नेता पत्रकार क्या लिख रहे हैं, और गोदी मीडिया के पत्रकार क्या लिख रहे हैं वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी देख लेते हैं एक नज़र। देखिए पत्रकार रूबिका लियाकत हैं, वो क्या लिख रही हैं एक बार नज़र डाल लीजिए। वो लिख रही हैं, सदन में सबको पर्याप्त मौका दिया गया, विपक्ष की हर सांसद ने अपने मन की बात कही, कोई नारेबाजी नहीं, कोई हंगामा नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 90 मिनट बोले, पीएम हो या बाकी मंत्री और सांसद सब ने सुना, टोका टाकी हुई लेकिन बेरोक टोक उन्होंने अपनी बात कही, आज पीएम की बारी थी लेकिन विपक्ष ने संसद की गरिमा का कोई ख्याल नहीं रखा, पीएम के पहले सबसे नारेबाजी शुरू कर दी, कोई समझदार व्यक्ति विपक्ष के इस कर्तव्य का जायज़ नहीं ठहरा सकता, दुर्भाग्यपूर्ण। ये रूबिका लियाकत पत्रकार हैं, तो इनकी निष्पक्षता तो आपको पता ही है, वो लिख रही हैं। बीजेपी क्या कह रही है एक बार वो देखें। बीजेपी ने ट्वीट किया, वो लिख रही है जो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कहा उसको कोट कर रही है, बीजेपी ट्वीट कर रही है, निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस तरह से खेल ये देश कैसे माफ कर सकता है, सदन में कल का दृश्य देखकर अब हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि क्या अपमानजनक बयान कोई संयोग है या प्रयोग की तैयारी है। तो ये जो राहुल गांधी ने जो है भगवान की तस्वीर दिखाई थी शिव की, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कहा, और क्या चीज़ है खबर वो एक बार आप देख लीजिए। देखिए एक पत्रकार हैं अशोक कुमार पांडे, असल में मुकाबला कह रहे हैं, मतलब वो मुकाबला कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकल गया मुँह काला, तो वो कह रहे हैं कि शायद इतना बड़ा विपक्ष देखने की आदत नहीं है तो थोड़ा नर्वस हो गए हैं। तो वो जो है अशोक कुमार पांडे कह रहे हैं, पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है अब हमारा मुकाला। तो तमाम दिलचस्प जो तस्वीरें थी वो आज आपको देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए काफ़ी हमलावर भी रहे हैं विपक्ष पे, और ओम बिरला काफ़ी नाराज़ रहे हैं सदन में विपक्ष से। तो ये तमाम खबरें अभी निकल के आई, इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस वीडियोज़ को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, बहुत धन्यवाद।